अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा थर्ड टॉपिक आ गया है। उस दिन हमने अलिफ किया था, फिर उसके बाद बे किया था। अब बे के बाद हमारे पास पे की टर्न है, पे की बारी हमारे पास। क्या लिखा हुआ है ये पे? क्या है ये पे? क्या है ये पे? पे के नीचे कितने नुक्ते हैं? काउंट करें जरा, 1 2 3। पे के नीचे 3 नुक्ते हैं, पे के नीचे 3 नुक्ते हैं। मैडम ने आपको उस दिन पोयम सुनाई थी ना, बे के नीचे नुक्ता, एक छोटा बच्चा खाए केक। अब पे की भी पोयम है, देखें पे का गीत क्या है। पे के नीचे नुक्ते 3, देखो जोगी बजाए बीन। फिर से मैडम आपको करवाती हैं। पे के नीचे नुक्ते 3, देखो जोगी बजाए बीन। पे कहता है प, पे कहता है प, पे कहता है प, पे कहता है प। ये क्या बनी हुई है? पतंग। क्या है ये? पतंग। पे कहता है प, प पतंग, प पतंग, प पत्ता, प पत्ता, प पंखा, प पंखा। ओके, अब हम आएंगे लिखने पे। तो देखें, सबकी पेंसिल शॉर्प होनी चाहिए। अच्छा, और पेंसिल को यूं पकड़ना है जैसे मैडम ने पेंसिल पकड़ी हुई है ना, ऐसे आप लोगों ने होल्ड करनी है पेंसिल। देखें ऐसे आप लोगों ने यूं नहीं पकड़नी, यूं भी नहीं पकड़नी, ऐसे पेंसिल पकड़नी। देखें, 2 फिंगर्स में, 3 फिंगर्स में ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है। अब देखें, जैसे हमने बे लिखा था ना, बे के नीचे एक नुक्ता था ना, वैसे ही हम पे लिखेंगे। स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट, थोड़ा सा राउंड करेंगे, लाइन के साथ टच करेंगे, आगे आएंगे, देखें ऐसे आते जाएं आगे, फिर थोड़ा सा राउंड करके ऊपर चले जाएंगे, ऐसे ही इसको टच कर देंगे, और पे के नीचे 3 नुक्ते लगाएंगे, 1 2 3। चले अब देखें, फिर नेक्स्ट पे हम लिख रहे हैं। स्टार्ट किया, नीचे आए, थोड़ा सा राउंड किया, लाइन के साथ टच करके आगे लेकर आए, फिर थोड़ा सा राउंड किया और ऊपर ले गए, यहाँ पे फिनिश कर दिया। अब हम देखें इसके नुक्ते कैसे लगाएंगे। 2 आईज बनाएंगे और 1 नोज बनाएंगे। देखें, 2 आईज हमारी ऊपर है ना, 1 नोज नीचे है ना, तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। फिर देखें, 1 टाइम मैडम आपको और बताती हैं। स्टार्ट किया, नीचे लेकर आए, इसको राउंड करके लाइन के साथ टच किया, फिर आगे लेकर आए, फिर इसको थोड़ा सा राउंड किया और ऊपर ले गए, यहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया। फिर इसके देखें, 2 आईज 1 नोज। आप देखें, अब हम अपनी कॉपी ओपन करेंगे, तो बे हमने उस दिन कर दिया, उसके बाद हम करेंगे पे। देखें, जैसे मैडम ने बोर्ड पे पेज बनाया, वैसे आपका कॉपी में भी पेज है। देखें, यहाँ पे भी पतंग है, पंखा भी है। देखिए, ऐसे हमने पेंसिल से ट्रेस करना है सबको, देख लेंगे आप सब। पेंसिल से हम इसको ट्रेस करेंगे, अच्छा। चले 1 टाइम मैडम आपको करके बताते हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ऐसे ट्रेस किया, फिर इसकी 2 आईज बना दी, 1 नोज बना दिया। ऐसे आपने सारा पेज करना है, अच्छा। ये पेज नंबर 1111 एंड 1 to 12। देखें, दोनों पेज आपने करने हैं, दोनों पेज सेम है। और अब मैडम आपको कलर बताती हैं। पतंग में हम करेंगे पिंक कलर और पंखे में हम करेंगे येलो कलर। इसी तरह यहाँ पर भी हम पतंग में पिंक कलर करेंगे, प्यारा प्यारा कलर करना है, अच्छा, लाइन से बाहर ना जाए। और पंखे में हम करेंगे येलो कलर, पंखे में भी हमने प्यारा प्यारा कलर करना है कि लाइन से बाहर ना जाए। देखें, ये वाला पेज और ये वाला पेज, दोनों पेज हमने करने हैं, ठीक। अब हम रीडिंग करेंगे। देखिए, उर्दू कायदा हमने ओपन किया, बे हमने उस दिन पढ़ा था, बे के बाद हम पे पढ़ेंगे, ठीक है। पे कहता है प, पे कहता है प, पे कहता है प, प पतंग, प पत्ता, प पंखा। फिर से मैडम के साथ पढ़ेंगे, प पतंग, प पत्ता, प पंखा। मैडम आपको फिर से पोइम करवाती हैं, ठीक है, और मैडम आपको बे से पोइम करवाएंगी। बे के नीचे नुक्ता 1, छोटा बच्चा खाए केक।
बे के बाद आज हमने पे किया है ना, तो पे भी मैडम आपको करवाएंगी। पे के नीचे नुक्ते तीन, देखो जोगी बजाए बीन। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। ऐसे प्यारा प्यारा आपने काम करना है, दोनों पेज करने हैं, कलर भी करने प्यारे प्यारे। फिर नेक्स्ट टाइम मैडम आपको और पोइम सुनाएंगे और नया काम सिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।